गुड मॉर्निंग। हर दिन सुबह मैं इस खिड़की के पास आके 5 मिनट सिर्फ बाहर देखता रहता हूँ, और ये पूरे घर का सबसे अच्छा स्पॉट है क्योंकि बाहर बहुत ग्रीनरी है। नींद से उठने के बाद जब आप नेचुरल लाइट से एक्सपोज होते हो तो आपका माइंड और बॉडी को पता लगता है कि सुबह हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है सारांश और आप देख रहे हैं बियॉन्ड फिटनेस। आज के इस एपिसोड में मैं अपनी 3 मंथ फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट अनस्टॉपेबल का डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में बात करूंगा, और आप कैसे अपनी फैट लॉस डाइट को सिंप्लीफाई करोगे उसके बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। प्री वर्कआउट में मैं ले रहा हूँ ओट्स, प्लेन ओट्स, और ये एक स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब है। उसके साथ मैं केले ऐड कर रहा हूँ, एक फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब जो कि बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। ये जो है प्लेन ओट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते टेस्ट में, इसके साथ केले इसलिए ऐड कर रहा हूँ। जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो, एग्जैक्टली वर्कआउट टाइम से 30-40 मिनट पहले अपना प्री वर्कआउट मील जो है उसको कंज्यूम करो, वो थोड़ा सा डाइजेस्ट भी हो जाएगा, उससे आपको ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट नहीं होगी, वरना वो सारे प्रॉब्लम्स आपको वर्कआउट के दौरान थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दे सकता है। तो दैट्स अ टिप। मेरा जिम यहाँ से 600 से 700 मीटर दूर है। अगर मैं साइकिल से जाता हूँ तो 5 मिनट लगते हैं, अगर पैदल जाऊँगा तो 15 मिनट के आसपास लगेगा। तो जिम जाने से ठीक पहले मैं अपना प्री वर्कआउट ड्रिंक ले रहा हूँ, ब्लैक कॉफी, 2 रुपए का ब्रह्मास्त्र मेरा। जब तक मैं जिम पहुंचूंगा और अपना वार्म अप कंप्लीट करूंगा, ये कैफीन हिट कर चुका होगा। कोई भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की 3 पहलियां होती हैं, वर्कआउट जो ट्रेनिंग या एक्सरसाइज रूटीन हम फॉलो कर रहे हैं, न्यूट्रिशन जिसे हम जनरली डाइट कहते हैं, रिकवरी जिसमें हमारी नींद शामिल है। बेसिकली आज मेहनत करने के बाद कल के लिए हम कितने तैयार हैं, इट्स लाइक रिचार्जिंग योर बैटरीज। कॉफी हो या प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, इन दोनों में कैफीन कॉमन होती है। वाई सो? बिकॉज जो कैफीन होता है वो आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम के कुछ एरियाज को एक्टिव करता है, जिससे आपको फोकस और एनर्जी दोनों इम्प्रूव होती है। ये दोनों ही चीज़ें आपको एक अच्छी वर्कआउट सेशन के लिए ज़रूरी है। जो लोग फैट लॉस पे हो और शाम को वर्कआउट जाते हो, वो लोग बिना कुछ प्री वर्कआउट मील लिए डायरेक्टली वर्कआउट को जा सकते हो। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी लंच और आपकी वर्कआउट में 3 से 4 घंटे का अच्छा सा डिफरेंस हो, अच्छा गैप हो। आज बैक और शोल्डर ट्रेन करेंगे, और थोड़ा सा टाइम बच गया तो एब्स भी। चलो सीधा वर्कआउट के बाद मिलते हैं। फाइनली वर्कआउट खत्म। तो अभी बात करेंगे, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो या फैट लॉस करने की सोच रहे हो तो आपको आपकी डाइट कैसे प्लान करनी चाहिए। कैलोरिक डेफिसिट यानी कैलोरी का कमी या घाटा, इसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए सबसे पहले मेंटेनेंस कैलोरी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हर एक इंसान की हाइट, वेट, एक्टिविटी लेवल और एज और जेंडर, ये कितने सारे पैरामीटर्स को लेकर उसका एक कैलोरी काउंट होता है। मेरे लिए वो नंबर है 2683। इसका मतलब है इतना कैलोरी अगर मैं एक दिन में कंज्यूम करता हूँ तो मेरा वजन एक ही जगह पे रहेगी, मेंटेन होके रहेगी। तो यही है मेंटेनेंस कैलोरी। इस नंबर से अगर हम कम खाना शुरू कर दें तो हमारा फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये आधा अधूरा कॉन्सेप्ट है। अगर इसको सुन के आप कम खाते हो या खाना ही खाना बंद कर देते हो तो यही सुंदर सा कॉन्सेप्ट आप पे बैकफायर कर जाएगी। हमारी बॉडी को ऑन ए डेली बेसिस प्रॉपर मेंटेनेंस और रेगुलेशन के लिए, यानी सब कुछ हमारी बॉडी में सही से होने के लिए
40 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व चाहिए होता है। कैलोरिक डेफिसिट के दौरान आप कम कैलोरीज तो इंटेक करोगे ही, लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि आपकी सारे मील्स न्यूट्रिशियस हो। खाने की अमाउंट नहीं, उस खाने से हमारी बॉडी को क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रही है वो ज्यादा मैटर करता है। और हाँ, चावल और रोटी खाना एकदम से बंद मत कर देना, वो सब ब्रो साइंस है, वो सब बिल्कुल भी फॉलो मत करना, वरना न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से आपको क्रेविंग्स आएंगे और आपकी एनर्जी लेवल नीचे चली जाएगी। फिर मत बोलना नहीं बोला था। जितने सारे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं उसमें फाइबर होता है, और वो फाइबर जो है कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन डरो मत, वो फाइबर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो इसलिए वो आपको मोटा नहीं बनाएगा। लेकिन उससे उल्टा हमें फ़ायदा है, उससे हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलता है जैसे कि विटामिन्स और मिनरल, वो डेफिसिट के दौरान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। पोस्ट वर्कआउट मील में मैं अभी एक मील रिप्लेसमेंट शेक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और काफ़ी कॉन्वीनियंट है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है मेरा, 5 मिनट में खाना बनाना सब हो जाता है। इस मील में 250 टोटल कैलोरीज हैं, जिसमें से 30 ग्राम्स प्रोटीन, 24 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम के आसपास लगभग फैट्स इसमें हैं। और इसका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल जो है, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो प्रोफाइल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पोस्ट वर्कआउट मील के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उसमें कार्ब्स होना चाहिए जो आपकी मसल ग्लाइकोजन को रिस्टोर करे, क्योंकि आप इमिडिएटली वर्कआउट करके आ रहे हो। दूसरा है, उसमें सही अमाउंट का प्रोटीन होना चाहिए, एटलीस्ट 25 से 30 ग्राम, जिससे आपकी मसल रिकवरी होगी। सप्लीमेंट्स क्यों इसको लेते हैं? क्योंकि जो नेचुरल डेली डाइट से हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, उसकी कमी को पूरा करने के लिए। जेन्युइन और ऑथेंटिक सप्लीमेंट इस्तेमाल करना कोई भी क्राइम नहीं है, इससे आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। तो फैट लॉस के लिए मैं आपको क्या क्या सप्लीमेंट्स रिकमेंड करूंगा। सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखना, जो आपकी बेसिक डाइट है वो सही होना चाहिए, तो ही जाके ये सप्लीमेंट्स आपको मदद करेंगे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में। सबसे पहला जो रिकमेंडेशन मेरा है, दैट इज वे प्रोटीन आइसोलेट। वो सबसे प्योरेस्ट और रिफाइंड फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, जिसमें प्रोटीन रहता है मैक्सिमम, और BCAA होता है जो कि अगेन अमीनो एसिड से है प्रोटीन। दूसरा चीज जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, क्योंकि मैक्रोस तो आप कर ही लोगे, माइक्रोस बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, जो कि जरूरी है। अगेन यही दो सप्लीमेंट्स है जो सबसे ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा। और अगर आपका बजट ज्यादा है या आप जिम जाते हो, लिफ्टिंग्स वगैरह करते हो, तो आप जॉइंट सपोर्ट का कोई भी सप्लीमेंट या आपका जो ओमेगा 3 फिश ऑयल है, ये सप्लीमेंट आप ले सकते हो एक्स्ट्रा, जिससे आपको काफी मदद होगी। सो लंच टाइम, सो मैं ऐसे ही लंच करता हूँ, सो रॉ एंड रियल। तो ये जो मेरा लंच है, एक डब्बे वाले से आता है, मेरे लिए बेसिक और अफोर्डेबल भी है। बहुत सारे टीनेजर और यंग एडल्ट जो लोग अपने घर से बाहर रहते हैं, हॉस्टल में या पीजी में, उन लोगों का एक बहुत बड़ा कंप्लेन रहता है कि खाना ठीक नहीं बन रहा है, इसीलिए मैं ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। सॉरी मेरे दोस्त, ये एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज है। जिसको करना रहता है वो लोग कर लेते हैं, जिसको नहीं करना रहता है वो लोग बहाने बना लेते हैं। वही मील जो आपको मिलती है आपकी हॉस्टल वालों से या कैटरिंग वालों से, उससे आप वो अनहेल्दी चीज़ें सब हटा दो, और उसमें आप कुछ अपने से हेल्दी चीज़ें ऐड कर लो। बन गई आपकी मील न्यूट्रिशियस, फिर कर लो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो फैट लॉस हो या कोई भी। तो आप कैसे अपना फैट लॉस डाइट को अप्रोच करोगे? सबसे पहले हम मैक्रोस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका मतलब है जो हमें अपनी खाने में सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो सबसे पहले प्रोटीन, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो या जिम जा रहे हो, आपको 1.6 ग्राम टू 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट जितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। तो अगर मेरा वजन 70 केजी का है, तो मुझे एटलीस्ट 112 ग्राम जितना प्रोटीन कंज्यूम करना होगा एक दिन में। दूसरा है हेल्दी फैट, जो कि इस प्रोसेस में काफी जरूरी है आपकी मेटाबॉलिज्म और आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए। जितने सारे हेल्दी फैट ऑप्शंस है, जैसे कि नट्स में मूंगफली, आलमंड, पिस्ताचियो, वॉलनट, ये सारे, और सीड्स में सेसमे सीड, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, ये सारे ऑप्शंस जो है आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो।
और एग्स में भी आपको काफी अच्छा हेल्दी फैट मिल जाता है। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, जो कि बेसिकली दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमें राइस, रोटी और ब्रेड, ये सारी चीजों से मिलती है, जिसको हमें मॉडरेशन में लेना चाहिए, ये हमारी बॉडी को डायरेक्टली एनर्जी देती है। सेकेंड नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट, जो हमें सैलड, वेजिटेबल, ये सब से मिलता है, जो हमारे स्टमक को फुलनेस देता है। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक इन डेप्थ वीडियो बनाया है, ये वीडियो देखने के बाद आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई बटन से वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। फैट लॉस के दौरान हाइड्रेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। जो सब सुगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स आप ले रहे थे पहले, उसको वाटर के साथ रिप्लेस करो। पानी कैलोरी फ्री है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है और एक नेचुरल एपेटाइट सप्रेसेंट भी है, जो आपकी भूख को मिटाता है। पानी का रिकवरी में भी बहुत रोल है, इसीलिए फैट लॉस के दौरान पानी पियो, खुद की बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। ओके, तो डिनर का वक्त हो चुका है। अभी मैं पूरे दिन में 3 से 4 मील्स लेता हूँ, वो मैं पूरे आपके साथ शेयर किया। अभी मैं क्या खा रहा हूँ, 3 रोटी, उसके साथ छोले है, ग्रीन्स है और 2 अंडे। मोस्टली मैं हुए आइसोलेट लेता हूँ मेरे डिनर के साथ, लेकिन जिस दिन एग बॉयल कर लेता हूँ उस दिन भी ले लेता हूँ एग्स, तो आज एग्स ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। अगर आप मॉर्निंग में जाके हैवी वर्कआउट करते हो या लिफ्टिंग्स वगैरह करते हो, तो कार्ब जो होता है कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा ज़्यादा रखो, जैसे कि आपको सुबह मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, रात भर आपकी ग्लाइकोजन रिस्टोर होगी मसल्स में। मैं चीज़ों को सिंपल रखने में बिलीव रखता हूँ, 100 बात की 1 बात, जो अनहेल्दी कैलोरी डेंस फूड है उसको खाना बंद करो, और जो आपकी बॉडी की न्यूट्रिएंट डिमांड को पूरा करे न्यूट्रिशियस खाना, उसको खाना स्टार्ट करो मॉडरेशन में, और आपकी फैट लॉस हो जाएगी। और कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को किसी अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो, जिससे उसको मदद मिले फैट लॉस में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ट्रेन योर माइंड एंड मसल, कीप डूइंग योर हसल।